हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप सब लोग बड़े ही मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट मिक्स में क्या करने वाले हैं? नंबर 11 लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैथ्स की ये जो बिग स्क्वायर वाली नोटबुक है ये लेनी है। तो हम पहले नंबर 11 ट्रेस करेंगे। तो नंबर 11 हम कैसे ट्रेस करेंगे? आपको दो स्टैंडिंग लाइन बनानी है, तो हमारा नंबर 11 बन जाएगा। देखो, इस तरह आपको स्टैंडिंग लाइन बनानी है। और पास में दूसरी स्टैंडिंग लाइन बनानी है, तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा? 11। मैं यहाँ ग्रीन कलर से ट्रेस कर रही हूँ। आपको जो कलर पसंद हो उससे आप ट्रेस कर सकते हो। तो नंबर 11 हमें कैसे बनाना है बच्चों? दो स्टैंडिंग लाइन करनी है, तो हमारा नंबर 11 बन जाएगा। देखो, इस तरह आपको धीरे धीरे ट्रेस करना है। आपको स्टैंडिंग लाइन तो आते ही होंगी, आते हैं ना बच्चों? पहले हमने प्लेन बुक में भी की थी, हमने 1 भी लिखा था। 1 में सिर्फ एक ही स्टैंडिंग लाइन थी और नंबर 11 में दो स्टैंडिंग लाइन है। हम कौन सा नंबर ट्रेस कर रहे हैं? नंबर 11। तो इस तरह आपको धीरे धीरे ट्रेस करते जाना है और बोलते जाना है, ताकि आप सबको याद रहे कि हम कौन सा नंबर लिख रहे हैं। नंबर 11। देखो, इस तरह आपको ट्रेस करना है। जब तक आपको 11 लिखना नहीं जाता, तब तक आपको ट्रेस करते रहना है। याद है आपको बच्चों, हम कौन सा नंबर ट्रेस कर रहे हैं? नंबर 11। देखो, मैंने ट्रेस तो कर लिया, आपने भी कर लिया होगा। आप भी मेरे साथ ट्रेस कर रहे थे ना? तो अब हम नंबर 11 लिखेंगे। तो बच्चों, आपको अपनी मम्मी को बोलना है आपको ऐसे डॉट करके दे, ताकि आपको नंबर 11 लिखने में आसानी हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये डॉट आपको ज्वाइंट करना है। देखो, इस तरह। तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा? वेरी गुड, नंबर 11। हम नंबर 11 में कितनी स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे? दो स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, तो हमारा कौन सा नंबर बनेगा? नंबर 11। आपको बोलते जाना है 1 1 11। इस तरह आपको बोलते जाना है और ये डॉट जॉइंट करना है। याद है बच्चों, हम कौन सा नंबर ट्रेस कर रहे हैं? नंबर 11। देखो, ये मैंने डॉट तो ज्वाइंट कर दिए नीचे। हाँ, नीचे आपको इस तरह से डॉट दिए हैं, अब हम वो ज्वाइंट करेंगे। देखो, इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक स्टैंडिंग लाइन बनानी है और पास में दूसरी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। तो कौन सा नंबर बनेगा हमारा? नंबर 11। इस तरह आपको मेरे साथ बोलते जाना है और लिखते जाना है। नंबर 11। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, 1 1 11, 1 1 11। आपको इस तरह से बोलते जाना है और लिखते जाना है। देखो बच्चों, मैंने ये डॉट तो ज्वाइंट कर दिए, आपका भी हो गया होगा। अब हम नीचे खुद से लिखेंगे। आता है ना बच्चों आपको? 11 कितना इजी है। दो स्टैंडिंग लाइन बनानी है, तो हमारा नंबर 11 बन जाएगा।
और नंबर वन में सिर्फ आपको वन ही स्टैंडिंग लाइन बनानी है, नंबर इलेवन में दो स्टैंडिंग लाइन बनानी है। कौन सा नंबर है हमारा? नंबर इलेवन। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, वन वन इलेवन। वन वन इलेवन। नंबर इलेवन में आपको सिर्फ दो स्टैंडिंग लाइन बनानी है तो हमारा नंबर इलेवन बन जाएगा। तो देखो बच्चों, मैंने ये नंबर इलेवन लिख कर ये पेज कंप्लीट कर दिया, आपका भी हो गया होगा, आप भी मेरे साथ लिख रहे थे ना। तो आज हमने क्या किया, पहले तो हमने नंबर इलेवन ट्रेस किया और बाद में हमने नंबर इलेवन लिखना सीखा। तो बच्चों, आपको मैथ्स की बिग स्क्वायर वाली नोटबुक में नंबर इलेवन लिख कर कम्प्लीट करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।